नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़। मैंने इनसे बचा, देखते हैं सुबह की 10 ताज़ा खबरें। 30,000 की गाय बांग्लादेश में, 1.5 लाख की केले के पेड़ का मोटा हिस्सा, उसके बीच गाय का सिर, पैर रस्मी में कसकर बंधे हुए, ऊपर से सिर्फ गाय का सिर नजर आता है, बाकी हिस्सा पानी है। इसी तरह तैरते तैरते कुछ ही मिनटों में गाय नदी पार कर जाती है। वहाँ पहले ही मौजूद लोग उन्हें निकालते हैं, रस्सी खोलते हैं और बांग्लादेश में ले जाते हैं। गाय बछड़ों को इसी तरह से पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश भेजा जा रहा है। हर चीज़ के लिए कोड नेम तय है। तस्कर गाय के बछड़े को पेप्सी बुलाते हैं। तस्करी का मास्टरमाइंड अनुबल मंडल को बताया जाता है। बीरभूम में अनुबट TMC के नेता और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खास हैं। CBI ने 11 अगस्त को अनुबल मंडल को अरेस्ट किया। तस्करी का कारोबार समझने के लिए हम भारत बांग्लादेश बॉर्डर पहुंचे। यहां पर चला है कि भारत में 30,000 से खरीदी गई, बांग्लादेश में 1.5 लाख तक बिकती है। बिहार के 9 जिलों में NI की रेड। पटना के फुलवारी शरीफ के सामने IPFI कनेक्शन को लेकर NI ने गुरुवार को बिहार में छापेमारी शुरू कर दी। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA की 9 जिलों में 13 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। इसमें से पटना के फुलवारी शरीफ अलावा वैशाली, मधुबनी, छपरा, अररिया, औरंगाबाद, किशनगंज, नालंदा और जहानाबाद शामिल है। अररिया के जोकीहाट में CDPI के प्रदेश महासचिव एहसान परवेज घर पर ही NI पहुंची है। छपरा के जलालपुर के माधवपुर पंचायत के रुदलपुर गांव निवासी सरकारी शिक्षा परवेज आलम के घर NI की टीम ने छापा मारा है। साथ ही में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किए गए हैं। वहाँ पिछले 1 घंटे से घर में पूछताछ चल रही है। फुलवारी थाना में FIR दर्ज, परवेज का नाम सामने आया। उस समय NIA ने बताया था कि आरोपी PFI का एक्टिव मेंबर है। परेज आलम को जलालपुर थाना ले जाया गया है। SYL नहर पर केजरीवाल की सियासत, सतलुज यमुना लिंक SYL नहर पर आम आदमी पार्टी आम मुखिया अरविंद केजरीवाल का बयान खूब चर्चा में है। इस नहर को लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद चल रहा है। केजरीवाल ने हरियाणा के हिसार में कहा है कि दोनों राज्यों में पानी की कमी है, इसका हल निकाले। स्पष्ट है कि SYL के मुद्दे पर आप पंजाब और हरियाणा में फंस गई है। इसके दो वजह हैं। पहली, पंजाब में सरकार है और पानी देने की बात नहीं कह सकते। दूसरी, हरियाणा का चुनाव लड़ना है तो अपनी पानी मांगना बंद नहीं कर सकते, इसलिए पूरा मुद्दा केंद्र को थमा दिया। दोनों राज्यों में चुनावी नुकसान ना हो इसलिए नेता जरूर बयान दे रहे हैं। हरियाणा में आप सांसद सुशील गुप्ता SYL नहर में पानी लाने के दावे कर रहे हैं। पंजाब मंत्री कुलदीप धालीवाल कह रहे हैं कि पानी छोड़ो, एक बूंद देने को नहीं है। केजरीवाल और CM भगवंत मान के बयान बाद SYL नहर के मुद्दे पर पंजाब के हाथ में कमान निकल गए हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि अभी तक पंजाब इसका पुरजोर विरोध करता रहा। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार के वक्त इस नहर के खिलाफ पंजाब टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट 2004 बनाकर सभी समझौते रद्द कर दिए। इसमें पंजाब ने हरियाणा को पानी देने समझौते को मानने से भी इनकार कर दिया। इसके बाद अकाली सरकार बनी तो सभी जमाने किसानों को लौटा दी गई। SYL नहर जा चुकी है, अब उस पर किसान खेती कर सकते हैं। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज दूसरा दिन है। बुधवार को पार्टी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। इस मौके पर राहुल गांधी ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा BJP सरकार की सोच अंग्रेजी जैसी है। राहुल ने कहा है कि एक व्यक्ति के हाथों में करोड़ों लोगों का भविष्य और वे इसे संवारने के बजाय विपक्ष को ED और CBI तक डर दिखा रहे हैं। हम फिर गुलामी के दौर पर जा रहे हैं। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी देश पर राज करती थी, अब 3 से 4 कंपनियों में काम कर रही है। अब ये असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के ये यात्रा सदी की सबसे बड़ी कॉमेडी है। कांग्रेस को पाकिस्तान में यात्रा करनी चाहिए जिसमें लोगों को ऐसा भारत मिले जो विभाजन से पहले अविभाजित था। राहुल गांधी को यह सब छोड़कर अखंड भारत के लिए काम करना चाहिए। राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा है कि न्यूज चैनलों पर दिन भर प्रधानमंत्री मोदी को दिखाया जाता है, हम लोगों को कोई नहीं दिखाता, इसलिए हम यात्रा निकाल रहे हैं। राहुल के अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे, KC वेणुगोपाल, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल और योगेंद्र यादव ने भी सभा को संबोधित किया।
पिता को बचाने भालू से भिड़ी 14 साल की बेटी। राजस्थान के सिरोही जिले में अपने पिता पर भालू को हमला करते देख एक बेटी ने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। उसने भालू का मुकाबला करते हुए पिता को बचा लिया। सिरोही के रेवदर कस्बे के सिलदर गांव में सोमवार देर रात एक भालू ने किसान पर हमला कर दिया। हमला देख कुत्तों ने शोर मचाया और खेत पर बने मकान में सो रही 14 साल की बेटी जोशना भाग के बाहर आई तो भालू से भिड़ गई। करीब 7 से 8 मिनट एक संघर्ष के बाद उसने भालू को भगा दिया। भालू ने उसके पिता किसान कर्मा राम चौधरी 50 वर्ष को बुरी तरह से घायल कर दिया। भालू ने उनके मुंह को नोच डाला। घायल किसान को गुजरात के महसाना हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हादसे के बाद उनकी बेटी जोशना और परिवार सदमे में है। जोशना बताया है कि भालू संघर्ष के दौरान मन में एक ही बात थी कि मुझे भले ही कुछ भी हो जाए लेकिन पिता को कुछ नहीं होने दूंगी। नए गाने में गुरदास मान ने चुप्पी तोड़ी। मशहूर पंजाबी लोक गायक गुरदास मान ने पंजाबी बोली का गद्दार कहे जाने पर चुप्पी तोड़ी। उन्होंने गर्ल सुनो पंजाबी दोस्तों के नाम से नया गाना रिलीज किया था। 3 साल पहले उन्होंने कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया में शो किया था जहां एक राष्ट्र एक भाषा का समर्थन करते और उनका विरोध हुआ। मान ने पंजाबी को माँ तो हिंद को मौसी कहा था। शो के दौरान उनका विरोध हुआ। गुरदास मान आपा खो बैठे जिसके बाद उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। नए गाने में गुरदास मान ने कनाडा शो में आपा खोने की वजह भी बताई। मान ने गाने में कहा है कि मुझे समझ नहीं आई कि पंजाबी माँ बोली कि वह कौन से ठेकेदार थे जो चलते शो में मुर्दाबाद करने लगे। उन्होंने मेरे साई और माँ के फोटो पकड़ कर दुर्व्यवहार किया। मेरी माँ को गालियाँ निकाली गई। उन्होंने कहा है कि गद्दार बेटा पैदा किया मुझे क्यों ना गुस्सा आता और क्यों ना मेरे मुँह से गाली निकलती। गुरदास मान पंजाबी गायकी में 1980 में से हैं। अभी भी उनकी गायिका का बड़ा फैन बेस है। बेंगलुरु में बाढ़ जैसी हालत। भारी बारिश का रेड अलर्ट। बेंगलुरु में एक हफ्ते से भारी बारिश जारी है। 3 दिन में शहर भर में पानी भरा हुआ। क्या सड़कें और क्या कॉलोनियां सभी डूबे हैं। उधर मौसम विभाग ने बेंगलुरु में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। विभाग का कहना है कि अगले 5 दिनों में लगातार भारी बारिश हो सकती है जिसमें हालात और भी ज़्यादा खराब होने की आशंका। बेंगलुरु में कॉलोनियों के डूबने से होटलों का किराया 2 गुना हो गया है। यह एक रात ठहरने के लिए कमरों की कीमत 30 से 40 हज़ार रुपये हो गई। एक वीडियो सामने है कि जिसमें बागलकोट की नहर पर बने एक पुल का पार करने के लिए JCB की मदद ली गई है जिसके आम पर स्कूली बच्चे थे जिन्हें रास्ता क्रॉस करवाया गया। दूसरी तरफ अमेजोन स्विगी जैसी ई कॉमर्स कंपनियों में भारी बारिश और बाढ़ के चलते कुछ समय के लिए अपनी सर्विस सस्पेंड कर दी गई है। चांदनी रात में आज से ताज का दीदार शुरू। चांदनी रात में ताजमहल का दीदार करने वालों के लिए आज से 12 दिसंबर तक का 4 दिन ताज के दरवाजे रात में खुले रहेंगे। पहले दिन रात्रि दर्शन के लिए 200 टिकट बुक हो चुके हैं। 9 सितंबर को शुक्रवार होने के कारण ताजमहल बंद होगा। भारतीय पर्यटकों के लिए टिकट 510 रुपये का और विदेशी सैलानियों का टिकट 750 रुपये है। 3 साल से कम उम्र के बच्चों का टिकट नहीं लगेगा। बता दें कि हर माह पूर्णिमा से 2 दिन पहले और 2 दिन बाद तक 5 दिन ताजमहल के अंदर रात्रि दर्शन का व्यवस्था है। 50-50 व्यक्तियों का स्लॉट में पर्यटकों को आधे घंटे के लिए ताजमहल में प्रवेश मिलता है। पूरे चांद की रोशनी में ताज का रात्रि दर्शन लोगों को काफ़ी पसंद आता है। 1600 ईस्वी में ताज महल बनने के बाद अब तक पूर्णिमा की रात ताजमहल का दर्शन करने से दूर दूर के पर्यटक आते हैं। इसमें पहले ताजमहल के अंदर से रात्रि दर्शन की व्यवस्था सुरक्षा कारणों से बंद हुई थी लेकिन फिर से शुरू कर दिया गया। अब अफगानिस्तान से भी हारने का डर है। आज भारत एशिया कप में अफगानिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी मैच दुबई के मैदान पर खेलेंगे। इससे पहले टीम इंडिया एशिया कप में सुपर 4 के 2 मुकाबले हार कर फाइनल की रेस से बाहर हो चुकी है। आज होने वाले मुकाबले को भी जीतने के लिए भारतीय टीम को बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। सबसे बड़ा कारण है कि भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों का फॉर्म अच्छा नहीं चल रहा। भारत के टॉप बल्लेबाज फेल्स साबित हुए हैं। दूसरी बार भारत के तेज गेंदबाज भी लगातार खराब प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले मैच में अच्छी इनिंग खेलने के बाद हार्दिक का बल्ला भी शांत है और वो बॉल में कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए जबकि अफगानिस्तान की टीम ने बुधवार को पाकिस्तान को कड़ी टक्कर दी। राजू श्रीवास्तव की हालत स्थिर। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव 1 महीने में एम्स में भर्ते। अभी तक राजू को एक बार भी होश नहीं आया। परिजनों ने उनकी आंखों खोले जाने का दावा किया लेकिन डॉक्टर्स ने फिर सिरे से खारिज कर दिया। 1 महीने में 2 बार उनकी तबीयत तेजी से बिगड़ी है और सुधार भी हुआ। राजू को 10 अगस्त को हार्ट अटैक आने के बाद दिल्ली एम्स में एडमिट कराया गया था। ये थी सुबह की 10 ताज़ी खबरें। ऐसे अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे चैनल को। लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।